कि जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन अपने पीछे कर्म छोड़कर जाता है। मुख्तार अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का सबसे बड़ा नाम, मौत हो गई हार्ट अटैक से। उसके बाद आज जो है कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा पूरे रीति रिवाज के साथ। मुख्तार अंसारी का जनाजा घर से निकला है और जितने भी लोग हैं उसमें शामिल हुए हैं, थोड़ी देर में मुख्तार के शव को दफना दिया जाएगा उसी कब्रिस्तान में जहां उसके और बाकी लोग जो अंसारी परिवार के रहे हैं दफन हुए थे कभी, वहीं पर दफना दिया जाएगा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त जनाजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनाजा निकला है घर से, मोहम्मदाबाद जो पैतृक गाँव है वहीं पर ले जाया गया शव को, वहां रखा गया। कल देर रात शव पहुंचा और उसके बाद आज जो है ये जनाजा निकल रहा है जिसमें सभी लोग शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसने छवि ऐसी बनाई रॉबिन हुड टाइप की कि अगर वहां पर ये है तो वहां पर लोगों के लिए छोटे छोटे काम कर दिया करता था। इसीलिए अगर आप इन इलाकों में जाएंगे और खासतौर पर मोहम्मदाबाद गांव में जाएंगे और मुख्तार अंसारी के बारे में पूछेंगे, शायद ही कोई होगा जो उसके बारे में गलत कहेगा, क्योंकि ये लोग यही इस तरीके के माफिया इसी तरीके का काम करते थे कि अपने इलाके में छोटी छोटी चीजें कर देना, गरीबों को मदद कर देना ताकि रॉबिन हुड की छवि भी बनी रहे और उस रॉबिन हुड की छवि के पीछे काले कारनामे भी करते रहे। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मुख्तार का जनाजा, थोड़ी देर में दफन हो जाएगा, फोर्स तैनात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीच वाली तस्वीर में आप उमर अंसारी को देख रहे हैं, हालांकि परिवार ये आरोप लगा रहा था कि स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन इन सबके बीच में एक रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाई। जब रोपड़ जेल में था मुख्तार अंसारी तब पत्नी की ओर से कहा गया था ये गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है, तो अगर अपने ही परिवार के लोग अगर ये कह रहे हैं कि गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसके बाद अगर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये पुलिस फोर्स की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये फोर्स लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। नहीं चाहते कि 90 के दशक में जिस तरीके से खुली जीप में ये घूमा करता था, आज जब उसका जनाजा निकल रहा है लोगों में थोड़ा सा भी आक्रोश देखने को मिले। आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं और अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख करेंगे हम सबसे पहले। आनंद जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, जनाजा निकल गया, थोड़ी देर में मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। कहते हैं ना कि आप अपने पीछे कर्म छोड़ कर जाते हैं, आज इतने लोग जरूर शामिल हो रहे हैं, लेकिन आपने इन लोगों के पीछे कितने काले कारनामे किए दुनिया जानती है। जी देखिए बिल्कुल, मुख्तार अंसारी का जो शव है वो थोड़ी देर में ही जो जनाजा है वो इसी कब्रिस्तान में कालीबाग के पहुंच जाएगा। कल भी हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करी, यहाँ पर जो अंदर केयर टेकर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन सुनील यादव अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है वो खोदी गई है, 5 फीट चौड़ी है और 5.5 फीट गहरी जो कब्र है वो यहाँ पर खोदी गई है और परिवार के लोग इस जनाजे में शामिल होंगे। यहाँ पर एडिशनल SP और यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पूरे दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद है। न केवल गाजीपुर महू और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि रॉबिन हुड की छवि है मुख्तार अंसारी के इस पूरे इलाके में उनके क्षेत्र में, तो यहां पर दुकानें भी जो है वो लोगों ने बंद कर रखी हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर पुलिस के अधिकारी, यहां पर पुलिस के जवान जो है वो दलबल हथियारों के साथ मौजूद है। और देखिए हुजूम जो है लोगों का वो लगातार नजर आ रहा है जो उनके घर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर ही जो मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है मोहम्मदाबाद में वो वहां पर है और वहां से जनाजा जो है जो जानकारी मिल रही है कि निकल चुका है और कुछ देर के बाद ही जो जनाजा है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई है सब पूरी की जाएगी। आपके आसपास मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, जनाजा निकल गया, थोड़ी देर में कब्रिस्तान पहुंच जाएगा जहां पर आनंद मौजूद है। अमित, आज मैं एक तस्वीर देख पा रही हूं, आप भी यूपी कवर करते हैं समझ पाएंगे, इन पुलिस वालों को एक टाइम था, खौफ था इन लोगों को, वो खुली जीप में घूमता था लहराते हुए AK-47, लेकिन कोई रोक नहीं पाता था। आज ये लोग खड़े हुए हैं कि इसका जनाजा निकल रहा है, शांति से जनाजा निकल जाए, कितना परिवर्तन है ये समय में। जी हाँ बिल्कुल सपना, आपने सही कहा। 90 के दशक में जब काफिला निकलता था मुख्तार अंसारी का, मुख्तार अंसारी के काफिले में जो उसके गुर्गे होते थे वो कलेआम हथियार लहराते थे, फायरिंग करते थे। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर एक बार दिखा दूँ, यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ। ये वो पुलिस वाले हैं जो कभी मुख्तार अंसारी से डरा करते थे, उस जो वो काफिला मुख्तार का निकला करता था उसे रोकने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। और आज के तारीख में ये सभी पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, ये वो चाहते हैं कि शांति से मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो जाए। सुपुर्द खाक कहाँ होना है जरा मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा दूँ। देखिए सपना, वो देखिए कब्र खुद कर तैयार किया गया है, कब्र खुदा हुआ है, तैयार है। और जो पुलिस के जवान आज यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं सब चाहते हैं कि शांतिपूर्वक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो और यहाँ पर सुपुर्दे खाक हो जाए मुख्तार अंसारी। वही मुख्तार अंसारी 90 के दशक में जिसका काफिला निकला करता था उसके गुर्गे खुलेआम हथियार लहराया करते थे। 2005 में वो पहली बार कृष्णानंद राय हत्या मामले में वो जेल में गया और उसके बाद 2017 के बाद जिस तरीके से
योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री जैसे ही बने उसके बाद जिस कड़ाई के साथ लगातार यूपी गवर्नमेंट पैरवी करने लगी मुख्तार अंसारी के खिलाफ केसों में, पंजाब जेल से उसे उत्तर प्रदेश लाया गया और उसके बाद वो तस्वीर भी हम देखे जब वो पंजाब जेल में मुख्तार था, पंजाब से निकला था तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था लेकिन उत्तर प्रदेश में आते ही वो व्हील चेयर से खड़ा हो गया था। मुख्तार अंसारी जा रहा है लेकिन उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम लॉ एंड ऑर्डर ने किया, जिसको कभी वो अपनी पैरों की चीज समझता था लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर ने समझा दिया कि आप कितने समय तक जेल में रहे। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, बहुत सारे क्राइम केसेस आपने कवर किए होंगे, अमित बुला रहे हैं कुछ तस्वीर उनके पास, अमित दिखाइए क्या बता रहे हैं आप। देखिए जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि 10 बजने में मैच कुछ ही समय बाकी है। एडिशनल एसपी साहब जो हैं जीएन प्रसाद साहब वो हमारे साथ है। सर 10 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है? बिल्कुल पूरी व्यवस्था है, आप लोग देख रहे हैं और हम लोग अभी इसी व्यवस्था को और मुकम्मल कर। अब इस सड़क पे जहाँ से जनाजा आएगा हर तरफ चप्पे चप्पे पे हर जगह पुलिस लगी हुई है और जिन लोगों को सर कार को भीड़ हम काफी ज्यादा देख रहे हैं अब इधर की तरफ आ रही है, भीड़ तो अपना उस पे दर्शन को आ रही जनाजे में शामिल होने आ रही है, वाहन नहीं आने दिया ना, पैदल लोग जा रहे हैं। तो देखिए जीएन प्रसाद साहब यहाँ पर हैं जो कि एसपी सिटी है गाजीपुर के, वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको उन अधिकारियों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए संतोष कुमार राय हैं, ये लगातार यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर देखिए अनूप कुमार सिंह है, अमितेश दुबे, ये वो अधिकारी है वो जो लॉ एंड ऑर्डर आज यहाँ पर संभाल रहे और चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो जाए, ताबूत में वो बंद हो जाए। वजह साफ है, 90 के दौर का भी जो दहशत था वो मुख्तार अंसारी का हर किसी ने देखा है, 2000 का भी जो दहशत था वो सबने देखा है और आज की तस्वीर भी हर कोई देख रहा है। तो जाहिर तौर पे पूर्वांचल वासी में यही वजह था कि जो वो काफिला जिन लोगों ने देखा था, जिन लोगों ने कृष्णानंद राय की मौत हत्या होते हुए देखी थी, तो जाहिर यही बात कह रही हूं कि ये वो अधिकारी हैं जो आज से पहले इस चीज में लगते थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े और आज वो उस चीज में लग रहे हैं कि उसका जनाजा शांतिपूर्वक निकल जाए। हम आनंद का फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, मैं पहले भी इसी सवाल के साथ आना चाह रही थी, बहुत सारे क्राइम केसेस आपने कवर किए होंगे पहले, ये इस तरीके का शायद ही कभी देखने को मिला कि ये जो आज हम भीड़ देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि ये लोग अपने इलाके में रॉबे नोट की छवि बनाते थे, थोड़ी सी गरीबों की मदद कर दी और उस मदद की आड़ में ये कितने काले कारनामे करते थे, इन गरीब लोगों को शायद उसका अंदाजा होता हो। देखिए बिल्कुल सपना, इसके पीछे दो वजह हैं, एक तो डर और दूसरा यह है कि एक प्रभाव जो है नेताओं का होता है बाहुबली वो अपने क्षेत्र में होता है कि कई लोग जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते। लेकिन देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, यहां पर एक पूर्व मंत्री जो है वो भी यहाँ पर सपना पहुंचे हुए हैं, अंबिका चौधरी जो हैं और उन्होंने यहाँ पर न्यायिक जांच की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि जो मौत है वो संदेहास्पद तरीके से हुई और देखिए यहाँ पर वो मीडिया से बात कर रहे हैं तो लगातार यहाँ पर देखिए और ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरा से दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये मुख्तार अंसारी के घर की तरफ का रास्ता है और यहीं से जो है उनका जनाजा वो यहाँ पर कुछ देर के बाद पहुंचेगा और अंबिका चौधरी से हमने यहाँ पर इसके पहले भी बात की थी, वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि जो है उनकी मौत की पूरी जाँच होना चाहिए और लोगों का हुजूम जो है सपना यहां पर धीरे धीरे जुटना शुरू हो गया है। हमने उनके घर की तस्वीर दिखाई थी, मुख्तार अंसारी के आसपास के इलाके की तस्वीर दिखाई थी कि लोगों ने किस तरह से दुकानें बंद कर रखी हैं कि उनका जो नेता है उसकी मौत हुई है और उसको लेकर जो न केवल हिंदू मुस्लिम तमाम समुदाय के लोगों ने यहां पर बंद का ऐलान किया है और यहां पर तमाम लोग जो है वो भी जगह जगह से यहां पर पहुंचे, कुछ लोगों से बात करते हैं। कहां से आए आप? बनारस बॉर्डर से। बनारस बॉर्डर से ये सुपुर्द खाक की कार्रवाई देखने के लिए? जी जी। आप लोग कहाँ से आए? अहमदाबाद से। किस तरह की छवि देखते हैं मुख्तार अंसारी की? अच्छी छवि है, नेता थे आपके? हाँ। तो देखिए ये हम बात करते हैं, अंबिका चौधरी जी यहाँ पर है, यहाँ पर सवाल बेहद गहरे सवाल डालो उन सवालों का जवाब जो भी जिम्मेदार लोग हैं आज हुकूमत के जोर से प्रशासन की ताकत से आपके पास जैसे ही आए अंबिका चौधरी आप हमें बताइएगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन अमित अभी हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं, अमित क्या जानकारी आपके पास, कोई तस्वीर दिखाइए जरा। सपना मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जैसे ही कोई संदिग्ध या कोई अफवाह फैलाता हुआ है या कुछ अनर्गल तरीके से बात करता हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को दिखता है उसके साथ पुलिस किस तरीके की सहूलियत करती है, जरा देखिए एक शख्स वहां पर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारियों के साथ है, पुलिस को उस पर डाउट हुआ उसके बाद पुलिस ने उसे वहां से निकाला और निकालने के बाद उसको कड़ाई से उसको समझा रही है कि आप इस तरीके की हरकतें यहां पर ना करिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस वक्त हम आपको वो तमाम तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे। देखिए हम आपको एंगल
की शौक दिखाने के लिए कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो जब निकलेगा तो किस तरीके से वो निकलेगा, वो सब शॉट हम आपको दिखाएंगे, वो टॉप एंगल शॉट हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम उसी गांव में हैं और गांव के एक छत पे जा रहे हैं, घर के छत पे जा रहे हैं, और यहां से हम आपको वो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का जनाजा जब निकलता है तो कहां नमाज पढ़ी जाएगी, कितनी तादाद में लोग होंगे, क्योंकि छतों पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है। तो टॉप एंगल शॉट दिखाने के लिए इस वक्त हम अपने दर्शकों को यहां पर पहुंचे हैं। हम उसी गांव में मौजूद है, पैतृक गांव मुख्तार अंसारी के, और वहां पर मौजूद हैं, और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। और देखिए हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, जरा युगल आगे की तरफ जाके पैन करके पूरी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से कहां पर जो है यही कब्रिस्तान है जहां पर जिसका टॉप एंगल शॉट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है और वो तमाम तस्वीरें उसके गांव की हम तस्वीरें इस वक्त मुख्तार अंसारी की दिखा रहे हैं। मोहम्मदाबाद यहां पर भले ही रॉबिनहुड की छवि हो, लेकिन जो तमाम दूसरे जगह हैं, पूर्वांचल की ही बात कर रहा हूँ, कई गांवों में गुंडा आतंक का पर्यायवाची वो बन चुका था। और देखिए जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है, देखिए ये शॉट देखिए भीड़ इकट्ठा हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अंबिका चौधरी के साथ में हमारे सहयोगी आनंद मौजूद हैं, फिर भी आपके पास कोई अगर विजुअल आता है, कोई अपडेट आता है हमें बताइएगा, तुरंत आपके पास आएंगे। लेकिन इस वक्त ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक आप देख रहे हैं तस्वीर अमित के कैमरे से, जब अंबिका चौधरी क्योंकि आए हैं तो आसपास के लोग वहां पर मौजूद है। अंबिका चौधरी जो पहले बसपा में थे और उसके बाद में समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को पिता के कब्र के पास दफनाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा में मुख्तार के शव को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से आधार कार्ड देखने के बाद ही लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने दिया जा रहा है। आप जरा याद करिए 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उसके बाद जब उसको भी सुपुर्द खाक किया गया था, तब इसी व्यवस्था वहां पर की गई थी, क्योंकि उसकी भी छवि कुछ ऐसी ही थी और वहां पर कुछ लोग इस तरीके से ही भीड़ देख रही थी, इसीलिए आधार कार्ड तब भी चेक किया जाते, और इस बार भी जब मुख्तार अंसारी को दफन किया जाए तो आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कुछ जानकारी अमित, क्या विजुअल दिखाइए। सपना अचानक भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, पुलिस भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। अंबिका चौधरी से कह दिया गया कि आप यहां से जाइए, आप यहां भीड़ नहीं लगा सकते हैं। पुलिस अब यहां से अंबिका चौधरी को हटा रही है और लगातार अनाउंसमेंट की हुआ। देखिए एसपी सिटी जिनसे मैं बातचीत कर रहा था ज्ञानेंद्र, वो अनाउंसमेंट खुद कर रहा है कि भीड़ मत लगाइए, यहां से हटाइए यहां से। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए भीड़ हटाने की बात यहां पर ज्ञानेंद्र खुद अनाउंसमेंट करके बोले कि यहां पर भीड़ किसी भी तरीके से नहीं लगना चाहिए कब्रिस्तान के सामने, आप लोग निकलिए यहां से। और जहां जहां भीड़ लग रही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, ये सभी जवान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था यहां पर बनी रहे और मुख्तार अंसारी जो है वो सुपुर्दे खाक में वो हो जाए, सुपुर्दे खाक हो जाए। देखिए एक बार क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर के, क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर का, किस तरीके से अनाउंसमेंट, गेट खुल चुका है, कब्रिस्तान का गेट खुल चुका है। और देखिए किस तरीके से कुछ लोगों को परमिशन दिया गया था लेकिन बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सपना गेट खुला, गेट जबरदस्ती बंद किया गया, अब पुलिस के जवान वो लोग जो जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुसना चाहे उन्हें किस तरीके से यहां से निकाला जा रहा है। देखिए यहां पर तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें सपना न्यूज 18 इंडिया पे, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर किसी को कह रही है कि यहां से जाइए। महज 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है। जब देखिए एक शख्स जबरदस्ती घुसा था जिसको परमिशन नहीं था, उसे भी गेट खोल के बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके की व्यवस्था है, आप अगर जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुस जाएंगे, आपको परमिशन नहीं है, फिर आपको बाहर किया जाएगा। उन लोगों को बाहर किया जा रहा है जिनको परमिशन नहीं था। देखिए अंदर कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें सपना, कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान देखता हुआ कि जिनको परमिशन है, हिदायत देता हुआ, वही सिर्फ अंदर रहेंगे, बाहर नहीं। और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान की तस्वीर दिखाइए कब्रिस्तान के अंदर।